हेलो एवरीवन वेलकम टू एन अकेडमी नीट गुड आफ्टरनून गाइस कैसे सब बच्चे सो so, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि बच्चों हमने इतने सारे डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स क्लास एलेवेंथ के डन कर दिए हैं अच्छे से डिटेल में डन कर दिए हैं

बट वन बाय वन एवरी डे एक, एक टॉपिक को पिक करके उसका हम स्टडी करेंगे आज किसका टर्न है सबसे पहली चीज क्या न्यूरोन नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से सेल हैं? हाउ डू दी सेल्स लुक लाइक दैट इज गोइंग टू बी न्यूरोन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे एंड तक मैंने देखा है इलेवेंथ क्लास के बच्चों एंड तक इस चीज में मार खाते हैं कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में कौन सा आयन अंदर कौन सा आयन बाहर जा रहा है तो आज इसी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स को हम खत्म करेंगे तो प्लीज आज मेरी क्लास में मुझे बिल्कुल भी फालतू बातें नहीं चाहिए मुझे आपकी हंड्रेड परसेंट अटेंशन चाहिए और जितने भी बच्चे आज सीखने आए हैं बस वही रहे और कॉपी पेन के साथ रहे क्या आप इतना मेरे लिए कर सकते हो कि आप लोग मेरी क्लास में किसके साथ बैठोगे एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठोगे नहीं तो ये जो टॉपिक है ना ये कभी समझ नहीं आ सकता कभी नहीं आ सकता है अच्छे-अच्छों को बच्चे अगर हम बैठे समझाने बच्चे का अगर 100% रिटेंशन हो तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप ना कर पाओ जिसके क्वेश्चंस आप ना सॉल्व कर पाओ तो आज इस टॉपिक को उसी तरीके से करेंगे उसके बाद आज जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे इस टॉपिक को रीड करोगे ईच एंड एवरी वर्ड वुड बी लाइक मक्खन फॉर यू कि हां सब समझ आ रहा है यस मैम यस मैम ठीक है चलिए आगे चलते हैं सो so, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं माई नेम इज एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अन अकेडमी नीड मैम ने बहुत बड़े लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ काम किया हुआ है आई हैव डन बी एस सी एम एस सी बी एड गेट क्वालिफाइड एंड बच्चों एक्सपीरियंस आप देख ही रहे हैं इस एक्सपीरियंस में हमने बहुत सारे रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं रियल रैंक्स और इस बारी इस बारी मैं बताऊं रियल रैंक से बोलेंगे हम लोग को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आप लोगों ने आप लोगों ने इस बार हमारा का मेंस का जेई रिजल्ट देखा जिसने नहीं देखा एक बार जरूर एक वो वीडियो रिजल्ट वाली चेकआउट करके आना अनअकेडमी जेई पर यू वुड बी सरप्राइज टू सी कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं अन अकेडमी प्लस स्टूडेंट्स के यस बच्चों किसके मार्क्स आए हैं अन अकेडमी के प्लस स्टूडेंट्स के तो मुझे लगता है कि सिंस बच्चों ये कड़ी चल पड़ी है जिसमें टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस करेगा वही कड़ी बच्चों आपकी हम यहां प्रोड्यूस करेंगे जब नीट का एग्जाम होगा सिंगल एग्जाम है पेन एंड पेपर एग्जाम है फर्स्ट ऑफ अगस्त को एग्जाम है तो ऐसी तैयारी करेंगे कि यार यहां पर जब पेपर होना उसके दो दिन के बाद बच्चे यहां पर क्लेम करेंगे कि येस मैम हमारे यहां से पढ़कर सेवन हंड्रेड मार्क्स आ रहे हैं सेवन हंड्रेड फाइव मार्क्स आ रहे सेवन हंड्रेड सेवन मार्क्स आ रहे हैं दिस इज रियालिटी एंड दिस इज गोइंग टू हैपन ठीक है बिकॉज नाउ अन अकेडमी इज टोटली फोकस वी आर टोटली फोकसड हमारी एन अकेडमी नीट की टोटली totally फोकस किस पे है आपके नीट के रिजल्ट पे और इस बार बच्चों रिजल्ट निकालना ही निकालना है चाहे कुछ हो जाए बस आप लोगों का साथ चाहिए कि आप लोग क्लासेस अटेंड करो हर टाइप की क्लासेस अटेंड करो आपके पास यूट्यूब का ऑप्शन है जो यहां आ सकते हो यहां आइए जो स्पेशल में आ सकते हैं स्पेशल में आइए और जो बच्चे जा सकते हैं हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे अगर उनको एक, एक एक्स्ट्रा एज चाहिए रिजल्ट प्रोड्यूस करने में वहां पर जा सकते हैं सो वी लेटस टॉक अबाउट की आपको नोट

ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवन ट्वेल्थ एंड ड्रॉपर्स एवरी संडे होता है सुबह ग्यारह बजे होता है ठीक है तो अकेडमी कॉम्बैट में आपके पास चांस है लाइव प्लेटफॉर्म में बच्चों के साथ कंपीट करने का एक घंटे का टेस्ट होता है सब बच्चे उसमें एनरोल कर सकते क्योंकि उसमें टॉप थ्री को हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलने वाली है क्या मिलने वाली है टॉप थ्री को हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलने वाली है ठीक है तो सब बच्चे कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हो लिंक यू विल फाइंड अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कोड आप यूज कर लेना दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइव कौन सा कोड यूज कर लेना एनरोलमेंट में कोड मांगेगा वैसे फ्री फ्री टेस्ट है ही रहेगा बट स्टिल इफ यू आर फर्स्ट टाइम यूजर सो दे विल आस्क अबाउट द कोड डू पुट द कोड सी लाइव ठीक है सारे सब्जेक्ट्स आएंगे ये देखिए अगला टेस्ट आपका कब होने वाला है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च को जो कि संडे है सुबह ग्यारह बजे होता है सिक्सटी मिनट्स का टेस्ट है ट्वेंटी एट क्वेश्चन है सेवन फिजिक्स सेवन केमिस्ट्री सेवन बॉटनी सेवन जोलॉजी तो जरूर ये वाला टेस्ट देगा दीजिएगा आपकी ही प्रिपरेशन होगी इट्स अ काइंड ऑफ मॉक टेस्ट फॉर यू गाइज राइट देख लीजिए ठीक है बच्चे सो यू ऑल कैन एनरोल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हमारी जो ऐप है इट इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफोन्स ठीक है ये तो आपके पास होता ही है और आपको ये भी पता है ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं तो काम की ऐप डाउनलोड क्या करो क्योंकि इसी ऐप पर हमारी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं इसी ऐप पर जाकर तो आप लोगों में फॉलो करोगे नहीं तो कैसे करोगे कैसे पता चलेगा कि टीचर का सेशन कब आ रहा है यस बच्चों ठीक है चलिए यस हाई एवरीवन हाय हाय अशोक सोनी तेजा प्रकाश मूवमेंट तक सबका डन स्टार्ट करें आज नया चैप्टर यस yes. तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू बी न्यूरॉन्स ऑन ह्यूज रिक्वेस्ट बच्चों हम फिर से किस पर आ गए हैं ब्लैक पर आ गए हैं राइट right. चलिए आ जाइए so सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका न्यूरोन न्यूरोन क्या है न्यूरॉन क्या है बच्चों इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ठीक है सबसे पहले न्यूरोन कौन से फाइलम में अपेयर हुआ था यह आपसे मेरा सवाल है

यस गोपी विद द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट टाइम बच्चों हाँ जी फॉर द फर्स्ट टाइम दे अपियर इन फाइलम नाइडेरिया क्योंकि नाइडेरिया में ही आया आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और नाइडेरिया पहला फाइलम है जिसमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम के कुछ सेल्स आए क्योंकि वहां पर प्रॉपर सिस्टम नहीं है वहां पर क्या एक जाल सा बिछा हुआ है जिसको आप क्या बोलते हो नर्वनेट बोलते हो क्या बोलते हो बेटा नर्व नेट बोलते हो बिकॉज दे हैव गॉट टिश्यू टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं देर इज नो ब्रेन देर इज नो ब्रेन देर आर सर्टेन सेल्स डज द सेम फंक्शन एज आवर नर्वस सिस्टम जो कि एक जाल सा बनाकर बैठे हैं सो लेट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन न्यूरोन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो देअर आर टू पार्ट्स इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन देन देर आर टू पार्ट्स ठीक है सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूरोन इज गोइंग टू बी कॉल दैट पार्ट जिसके पास न्यूक्लियस है हाँ जी उस पार्ट को क्या बोलोगे साइटोन बोलोगे ठीक है और क्या बोल दोगे सोमा और क्या बोल दोगे पेरी दिस इज दैट पार्ट ऑफ न्यूरोन विच हैज कॉट न्यूक्लियस इसके पास क्या है न्यूक्लियस है इसीलिए इसको क्या बोला पेरी केरियॉन वर्ड इज रिलेटेड टू ऑल्सो कॉल्ड एज सेल बॉडी इसका मोस्ट प्रचलित नाम कौन सा है सेल बॉडी नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज गोइंग टू बी द कि सेल में से ना कुछ प्रोसेस निकलते बाहर की तरफ सोमा से बाहर कुछ निकलता है दोज आर कॉल्ड एज न्यूराइड क्या बोलोगे इसको न्यूरोइड्स दैट मीन्स प्रोसेसेस नर्व प्रोसेस दो तरीके के नर्व प्रोसेस हो सकते हैं बच्चों एक नॉ प्रोसेस वो है विच इज विच इज वेरी शॉर्ट बट ब्राश्ड ठीक है वन ऑफ द प्रोसेस इज दैट विच इज शॉर्टर इन साइज एंड ब्राश्ड एंड द अदर प्रोसेस कमिंग आउट ऑफ साइट इज दैट विच इज लॉन्ग प्रोसेस ठीक है एंड अनब्राश्ड चलो नाम बता दो फटाफट से बच्चों नाम बताइए शॉर्ट और ब्राश प्रोसेस का नाम क्या है बताइए शॉर्ट और ब्रांच प्रोसेस का नाम क्या है कम ऑन कम ऑन यस शालिनी गुप्ता पल्लवी विद द राइट आंसर शॉर्ट और ब्रांच प्रोसेस का नाम होता है डेंड्राइट आर कॉल्ड एज डेंड्राइड और एक होता है लंबा सा प्रोसेस निकलता है जिसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है वो लंबा सा प्रोसेस है लॉन्ग एंड अनब्रांच दैट इज कॉल्ड एज एक्जोन क्या बोला जाता है इसको बिल्कुल ठीक दैट इज कॉल्ड एक्सोन सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटिफुल न्यूरोन ठीक है तो पहले हम बना लेते हैं अपना सोमा दैट इज सेल बॉडी सेल बॉडी को पेरी क्यों बोला क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है तो ये हमने क्या बनाया है न्यूक्लियस और ये हम बना रहे हैं न्यूराइट ठीक है चलो आ जाओ सब बच्चे साथ साथ ड्रॉ करेंगे डायग्राम से ना भागा मत करो स्पेशली जो बच्चे इस टाइम पे क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं फिर तुम बोलते हो कि बोर्ड्स की प्रेपरेशन करनी है स्कूल की प्रेपरेशन करनी है ये स्कूल का ही तो है स्कूल में हाथ से ही तो ड्रॉ करना होता है ना सब्जेक्टिव पेपर होता है तो अभी साथ साथ ड्रॉ कर लोगे तो बहुत आसानी होगी ठीक है बोर्ड्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी राइट ओके सो ये हमने आउटलाइन बना ली शॉर्ट और ब्रास्ट वाले प्रोसेस एक्सटेंड करके बना लेते हैं देन वी विल लेबल इट ओके चलिए सो देयर इज गोइंग टू बी सम साइटोप्लाज्म प्लाजम एज वेल ओके सो लेट इज लेबल अफ So पहला पार्ट ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों इसको क्या बोलेंगे मेन पार्ट जिसके पास न्यूक्लियस है दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी सेल बॉडी के दूसरे नाम हमने बता दिए हैं सोमा साइटोन पेरिकेरियन सब इसको बोलते हैं जो लंबा सा प्रोसेस है दिस लंबा सा प्रोसेस इज कॉल्ड एज एग्जॉन देन ये एग्जॉन का अंत है दिस इज कॉल्ड एज एग्जॉन टर्मिनल क्या बोलोगे एग्जॉन

सेल बॉडी येरा सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में देयर आर सर्टेन इन ग्रैन्यूल्स विच आर मॉडिफिकेशन ऑफ आर ई आर ओनली दोज आर कॉल्ड एज निस ग्रैन्यूल्स क्या बोला जाता है निसर्स ग्रैन्यूल्स कहां कहां मैंने बोला ओनली इन द सेल बॉडी एज वेल एज द डेंड्राइट कहा नहीं है एग्जॉन में नहीं है ठीक है सो दे इन देंड्राइट प्लस सीबी सी बी इज सेल बॉडी समझ लेना सीबीज सेल बॉडी है और ये खुद है क्या भाई कौन सी ऑर्गेनली है सेल में तो ऑर्गेनली होनी चाहिए और किसी की जगह नहीं है ये है बच्चों आपके आर यार. आर -E मतलब ईआर प्लस राइबोजोम यहां पर आपको एज अ राइबोजोम भी लिखा हुआ आ सकता है राइबोजोम कंटेनिंग ईआर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम ठीक है सो so ये बात हो गई आपकी स्पेशल थिंग इन योर साइटोन बाकी साइटोन में आपको दिख रहा है कि क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस है ठीक है दिस इज गोइंग टू बी योर न्यूक्लियस

तो उसकी साइटोप्लाज्म क्या थी सार्कोप्लाज्म इसकी साइटोप्लाज्म क्या होगी बच्चों इसकी साइटोप्लाज्म होगी न्यूरोप्लाज्म अब आ जाइए आप अपने एग्जॉन पे इफ वी टॉक अबाउट सर्टेन एग्जॉन्स देन दे आर सराउंडेड बाय सेल्स इसके अराउंड जैसे एग्जॉन है ना एग्जॉन के अराउंड ऐसे सेल लगे होते हैं एक ये सेल ऐसे गोल सा देन बच्चों नेक्स्ट सेल देन उससे नेक्स्ट सेल ठीक है इन सेल्स को क्या बोला जाता है दीज आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लायल सेल ये न्यूरोन नहीं है नर्वस टिश्यू के ही एक्स्ट्रा सेल्स है अपार्ट फ्रॉम द न्यूरॉन। और आपको पता होगा एनिमल टिश्यूज पढ़ के आए हैं कि यार मोर देन 50% परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ योर नर्वस टिश्यू इज कवर्ड बाई न्यूरोग्लायल सेल नॉट दिस न्यूरोन तो कुछ न्यूरोग्लायल सेल्स ना ऐसे न्यूरोन को कवर करते हैं और अगर मैं बात करूं न्यूरोन जो कि पी एन एस में प्रस्तुत है पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम में प्रस्तुत है वहां पर ये जो सेल्स है ग्लायल सेल्स है दे आर शव सेल्स कौन सेल्स हैं दे आर कॉल्ड आज श्वान सेल्स ठीक है तो मैं यहां पर बना रही हूं आपके श्वान सेल्स क्योंकि ये है पी एन एस का न्यूरोन ठीक है ये है पीएनएस का न्यूरॉन सो दीज आर श्वान सेल ठीक है दूसरी चीज ये श्वान सेल कुछ तो काम करेगा यहां पर जो हम न्यूरॉन बना रहे हैं इन दिस न्यूरॉन

श्वान सेल ने क्या रिलीज किया माइलेन और क्या बना ली यहां पर माइलेन शीत ये देखिए सो दिस होल इज माइलिन शीत वैसे तो व्हाइट कलर का होता है बट हमने यहां पर येलो से उसको डिनोट किया है ओके okay? सो so, थोड़ी सी कलाकृति आप भी कर लो सो so, ये हो गया आपका माइलिन एन शीथ लेट अस लेबल ओके तो सबसे पहले लेबल करते हैं हम अपने सेल्स को दी सेल्स आर कॉल्ड एज श्वान सेल्स ठीक है सेल ने क्या रिलीज किया माइलिन माइलिन ने बना ली शीत इसको बोलते हैं हम माइलिन शीत क्या काम करेगी ये माइलिन शीत सबसे पहली चीज ये व्हाइट कलर की होती है दूसरी चीज क्या काम करेगा ये माइलिन इट विल एक्ट एज इंस्यूलेटर इंस्यूलेटर मतलब ये यह यहां पर इलेक्ट्रिसिटी आयंस के आदान प्रदान को अलाउ नहीं करेगा ये याद रखना है इस सेशन में ही बाद में यूज करेंगे हम इस चीज को ठीक है देन बच्चे जब आपका एग्जॉन ऊपर डॉट बनाया इसको मैं ना अच्छा वो इधर आ गया इसको हम कर देते हैं ग्रीन कलर से ओके okay, नहीं व्हाइट कलर से सो देयर इज न मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ एग्जोन ओवर देयर दिस इज कॉल्ड एज एग्जॉन क्या बोला जाता है एग्जॉन हिलॉक ठीक है हिलॉक का मतलब है यार यहां पर जैसे ही मैसेज आएगा ना फटाफट से आगे किसके पास चला जाएगा आपके एग्जॉन के पास ट्रेवल हो जाएगा ठीक है अब श्वान सेल के पास देखो सेल है सेल के पास क्या होगा साइटोप्लाज्म होगा तो श्वान सेल का जो बिल्कुल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है ना उसको क्या बोलते हैं न्यूरीलेमा देख रहे हो ये है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म ये जहां जहां मैंने डॉट्स बनाए कैन यू सी Yes or no? so this of cell is as और जिस न्यूरॉन के पास न्यूरी लेमा होता है बच्चों वो न्यूरॉन हल्का हल्का रिपेयर कर सकता है वैसे तो आपके uh, न्यूरॉन के पास देर आर नो सेंट्रिय दे कैन नॉट डिवाइड राइट बट In certain parts, आपके जो पीएनएस में न्यूरॉन है उनके पास क्या प्रेजेंट है क्योंकि उन्हीं के पास श्वान सेल होते हैं, हैं। इसीलिए हल्का-हल्का भी शो करते हैं। आगे आ जाइए टर्मिनल टर्मिनल पर। टर्मिनल पर यू विल सी दिस बल्ब -like क्या इसको? इस के अंदर आपको क्या मिलेंगे तो उनका नाम हो जाएगा साइनेप्टिक वेसिकल ठीक है अब इन साइनाप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरा होगा इन साइनाप्टिक वेसिकल के अंदर भरा होगा जो समान निस्सल ग्रैन्यूल बना रहे हैं अब निसल क्या है आर यार। आर यार क्या बनाता है कम ऑन गाइस आर आर क्या बनाता है कम ऑन देखिए किसको पता है आर आर क्या बनाता है सेल में आर आर का क्या धर्म है यस क्या बनाता है बेटा साइनाप्टिक नर्व बनाता है अच्छा राइबोसोम क्या बनाते हैं इनको किसकी फैक्ट्री बोलते हैं बिल्कुल ठीक है एक बच्चे ने ठीक आंसर दिया कौन ऊपर चला गया नाम यार चंदन चंदन द राइट आंसर क्या बनाते हैं एंड इन दिस केस द आर तो neurotransmitter बन, बने कहां पर निश्चित ग्रेन्यूल्स में जो कि डेंड्राइट और साइटोन के पास है लेकिन बेटा न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर कहां पर हुए साइनाप्टिक वेसिकल में सो दे आर गोइंग टू कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर ठीक है क्या प्रेजेंट होगा इनके पास न्यूरो न्यूरॉन आप देख रहे हो ये एक ऐसा न्यूरॉन है जिसमें बहुत सारी दिशा से मैसेज आता है ये देखिए क्योंकि डेंड्राइट बहुत है यहां से भी मैसेज आ, आ सकता है यहां से भी आ सकता है यहां से भी आ सकता है यहां से भी आ सकता है और इस एग्जॉन के थ्रू आगे मैसेज जाता है अब इसके पास मल्टीपल डायरेक्शन है आने की बहुत सारी जगह है और जाने की एक जगह है दिस काइंड ऑफ न्यूरोन इज कॉल्ड एज मल्टीपोलर न्यूरोन क्या बोलते हो इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन एंड इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन की अगर बात करें मोस्टली जो आपके न्यूरॉन कौन से होते हैं मल्टीपोलर ही होते हैं जैसे देख रहे हो क्योंकि डायरेक्शंस बहुत है ना यहां से भी इंपल्स आ सकती है यहां से भी यहां से भी और फिर आगे जा सकती है ठीक है सो मोस्ट ऑफ द न्यूरोन इन योर सी दे आर मल्टीपोलर द डिफरेंस इज कि सीएनएस में आपके पास श्वान नहीं है श्न की जगह क्या है ऑलिगोडेंड्रोसाइड और वहां पर वो क्या रिलीज करता है माइलिन तो वो भी क्या है माइलिनेटेड न्यूरोन तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये किसका बनाया मल्टीपोलर माइलिनेटेड न्यूरोन ऑफ पी एन एस कौन सा पीएनएस का इसके अलावा बच्चों मल्टीपोलर के अलावा भी और न्यूरोन होते हैं ऐसा नहीं होता कि यही होता है

बाइपोलर मीन्स दो प्रोसेस है इस तरीके से एक प्रोसेस ये आया ठीक है जो मैसेज लेकर आया एंड यहां से एंट्री एक साइड so, से एग्जिट बाईपोलर न्यूरोन एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी बाईपोलर न्यूरोन बच्चे होते हैं आपके रेटेना में ठीक है और आपको कहा मिल जाएंगे स्नाइडेरियन मेम्रेन दैट इज योअर नेपिथेलियम ओके टेंट कैटेगरी ऑफ द न्यूरोन इज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरोन स्यूडो यूनिपोलर का क्या मतलब होता है स्यूडो मतलब फॉल्स झूठे क्या है इन्होंने झूठ बोला कि हम यूनिपोलर है कैसे झूठ बोला जरा देखो इनके पास थी एक साइटॉन ठीक है इन्होंने बोला कि यार हम यूनिपोलर है एक ही प्रोसेस निकालो लेकिन ये झूठ था क्यों क्योंकि बाद में जाकर ये अपना बाइफरकेट कर गए दो दिशाओं में बाइफरकेट कर गए एक जगह से एंट्री होने लगा एक जगह से एग्जिट तो हुए ना यूनिपोलर इनिशियली देवर यूनिपोलर ओनली बट लेटर ऑन इट बाइफरकेट्स इनटू टू पार्ट्स बाद में जाकर ऐसा लगा कि यार ये तो बाइपोलर बन गया है ना और ये सूडियो यूनिपोलर न्यूरोन कहां होते हैं डॉर्सल रूट गैंगलियॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल रूट गैंगलियन ऑफ स्पाइनल कॉड यस बच्चों क्लियर दिस इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूरॉन, बिल्कुल सोहेल खान, जी, तो न्यूरॉन के बारे में सब पता चल गया सब पता चल गया एक और चीज क्या जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स ट्रांसमिशन मैसेज आएगा क्या मैसेज इस डायरेक्शन में जाएगा इसमें जाएगा या फिर दोनों साइड में जा सकता है ऑलवेज रिमेंबर देअर इज यूनिक डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंपल्स इन योर न्यूरोन एक ही डायरेक्शन में मैसेज जा सकता है क्योंकि क्योंकि बच्चों जो ये है ना वो रिसीवर्स है क्या है बच्चों ये रिसीव करते हैं दे आर द द इंपल्स ऊपर से इम्पल्स आ रहा है उसको रिसीव कर लेंगे और एक्सॉन बच्चे ट्रांसमीटर है स्प्रेडर है ठीक है वो मैसेज को आगे लेकर जाता है तो दिशा हमेशा एक ही रहेगी सो द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स ट्रांसमिशन इज गोइंग टू बी दिस वन ओनली नेवर एवर इन रिवर्स डायरेक्शन डन चलिए अब चलते हैं हम आगे दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अब मेन टॉपिक पे आते हैं दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर वर्बली बताई जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में न्यूरीलेमा के बारे में क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको जब नर्वस टिश्यू किया था ना हमने एनिमल टिश्यूज में तब वहां लिखवा दी थी तो जो बच्चे शुरुआत से क्लास अटेंड कर रहे हैं वो उस सेशन को जरूर रेफर करें क्योंकि मैंने वहां पर और डिटेल बताई है न्यूरोन की अब रेप्लीकेट क्यों करें है ना एक ही कोर्स में क्योंकि वो आपके नोट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है यस बच्चे डन है समझते हो इस चीज को है ना तो वो सब चीजें आपको लिखने की अभी जरूरत नहीं क्योंकि वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखवा दी थी यस yes? चलिए आ जाइए कंडक्शन ऑफ नर्व दैट मींस अगर आपके पास ऐसा न्यूरॉन है है ना यस yes. ऐसे लाइन में लगे होते हैं ना न्यूरॉन तो अगर आपके पास ऐसा न्यूरॉन है जस्ट मैं आउटलाइन बना रही हूं बच्चों ओके okay. ठीक है तो

ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स यहां से यहां भी और यहां से यहां भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स लेकिन ये जो गैप है गैप को क्या बोलते हो डू यू कॉल दिस गैप साइन ही बोलते हो ना इन दिस साइन देयर कैन बी आई इलेक्ट्रिकल और बच्चों देयर कैन बी केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स एज वेल देखो जब न्यूरॉन के एक पॉइंट से लेकर उसके अंत तक जाना है मैसेज तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसा नहीं तारे लगाएंगे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यहां पर मतलब है इज गोइंग टू बी चेंज ऑफ एक्सचेंज आय जो हम आज डिस्कस करेंगे ठीक है और ये जो गैप है गैप के बीच में वो एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हो सकता है या फिर केमिकल तो क्या मोटी मोटी बात में क्या बच्चों मोटी मोटी बात में हम ये बोल सकते हैं दैट द कंडक्शन ऑफ नर्व नोवल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल है ना टोटल में तो यही बोलेंगे ना इलेक्ट्रोकेमिकल क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बीच में इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है केमिकल डिपेंडिंग अपॉन द गैप वो हम बात में डिस्कस करेंगे सो कैन बी राइट दिस लाइन दैट नो विम्पल्स कंडक्शन इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोकेमिकल ये और नो में बताओ येस yes, बताइए ये yes, और नो में बताओ कि क्या ये लाइन लिख सकते हैं ये लाइन लिख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जार का आज तुम्हारी सारी नॉलेज सोडियम आइन से रिलेटेड चेक हो जाएगी तुम रुक जाओ बस दो मिनट रुक जाओ आएगा भाविका पहले मैं आपको इलेक्ट्रिकल एक्सप्लेन करूंगी देन मैं आपको ये गैप के बारे में एक्सप्लेन करूंगी साइन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि यार कब इलेक्ट्रिकल होगा किस केस में केमिकल होगा और कैसे होगा तुम लोग टेंशन मतलब अभी जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ओके स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन न्यूरॉन के एक पॉइंट से लेकर आगे कैसे जाता है कौन सा ट्रांसमिशन करेंगे आज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन अब बहुत ध्यान से समझना जिसको समझना है बस वही रुके बाकी बातों वाले बच्चे इस टॉपिक में मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि ये टॉपिक बातों के साथ समझ नहीं आ सकता प्लीज अंडरस्टैंड माई दिस पॉइंट प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस टॉपिक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले लेटस्ट इमेजिन आपका वैसे तो न्यूरॉन बच्चों ऐसे होता है ना ये जो एक्सॉन का हिस्सा है वो मैं यहां पर बनाऊंगी ध्यान देना ंग टू ड्रॉ अवर हेयर ठीक है इसको इस तरीके से सो दिस इज गोइंग टू बी योर एक्जो प्लाजम यह क्या है एक्जो प्लाज्म थी मैंने इसको ऐसे लिटा दिया है ना होनीजोटल फॉर्म में यहां पर बनाएंगे दिस इज योर एक्जो प्लाज्म दैट मीन्स एक्जोलेमा अंदर क्या होगा इसके एक्जोप्लाजम सो इंटरनल देयर इज गोइंग टू बी एक्जो प्लाज्म एंड ये जो मेम्रीन है अपने एक्जोन की इसको आप बोलोगे एक्जो लेमा हमेशा याद रखो एक चीज कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो फ्लूड है ना एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड एंड इंट्रा सेलर फ्लूड इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन आइन्स केमिस्ट्री वाले आय सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब चीजें ठीक है तो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड में हमेशा किसकी मात्रा ज्यादा होती है हर सेल के लिए होता है हर सेल के लिए होता है तो इसके लिए भी होगा ही होगा सेल के बाहर हमेशा किसकी मात्रा ज्यादा होती है सोडियम आयन की किसकी ये बाहर की जगह है तो बाहर किसकी मात्रा होगी सोडियम आयन की हमेशा यस सेल के अंदर देखा जाए दैट तो मीन्स उसके साइटोप्लाज्म में देखा जाए तो किसकी मात्रा ज्यादा होती है पोटेशियम आइन्स की एंड अकेले पोटेशियम नहीं है एंड बच्चों नेगेटिवली है इज जेनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपने पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि यार अगर अलग अलग तरीके के आइन्स हैं तो एक जगह तो पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी जगह कंपैरेटिवली क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा सिंस so, बाहर पॉजिटिव ज्यादा है अंदर भी पॉजिटिव है लेकिन उसको बैलेंस आउट करने के लिए नेगेटिव भी है तो बाहर होगा ज्यादा पॉजिटिव अंदर क्या होगा ज्यादा नेगेटिव ये बात समझ आई बाहर कौन सा चार्ज होगा नेट चार्ज की बात हो रही है बाहर नेट चार्ज इज गोइंग टू बी पॉजिटिव यस बच्चों नेट चार्ज इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड इनसाइड इन कंपैरिजन टू आउटसाइड

क्या बोलोगे इसको रेस्टिंग पोटेंशियल क्या बोलोगे बेटा इसको रेस्टिंग पोटेंशियल तो एक आता है uh, cathode, ray, है फिजिक्स में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ना ऐसा कुछ आता है ना सी आर ओ जो आपका केमिस्ट्री में आता है फिजिक्स में आता है है ना अब ये तुम लोग जानो जो क्या मेजर कर देता है अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देता है तो जब हमने सेल से वो कनेक्ट करके अपने इलेक्ट्रॉड वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो कितना आया रेस्टिंग पोटेंशियल कितना आया रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू आई बच्चों माइनस सेवेंटी मिलीवोर्स कितनी वैल्यू आई हां सुना हुआ ना सुना हुआ है सबने सुना हुआ है वैल्यू कितनी आई बच्चों माइनस सेवेंटी मिलीवोर्स और इस स्टेज पर इस स्टेज पर हम मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं पोलराइज्ड है ना वो पोलैरिटी है और इस स्टेज पर मेंब्रेन को आप क्या बोल दोगे कि भाई हमारी जो एक्सोलेमा है ना वो क्या है पोलराइज़्ड है अब एक चीज समझो सिंस बाहर सोडियम ज्यादा था अंदर पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज आयन ज्यादा है तो ना आपकी मेंब्रेन के अंदर इस मेंब्रेन के अंदर ये जो वाइट कलर से हमने बनाया ना एक्सोलेमा एक्सोलेमा को ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे ये देखिए एक्सोलेमा को मैंने ऐसे बड़ा करके बना लिया ये देखो क्या होगा इसके पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी इस तरीके से ठीक है दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बीच बीच में मुझे क्या दिखे बीच बीच में बच्चों मुझे दिखे कुछ लीकेज कराने वाले ना चैनल्स इस तरीके से राइट बीच बीच में मुझे क्या दिखे अपने लीकी चैनल्स एक टनल सी बनी हुई थी और उससे क्या हो रहा था सामान लीक हो रहा था हमने इसी वाली मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बड़ा करके दिखाया मैंने कि रेस्टिंग स्टेज पर क्या क्या चेंज हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले बड़ा किया ये जो मैंने चैनल्स बताए दीज आर कॉल्ड एज लीकी चैनल्स चैनल्स हमेशा क्या रहते हैं ओपन रहते हैं ओपन हर टाइम खुले रहेंगे अगर भाई ये हर टाइम दरवाजा खुला रहा तो क्या सोडियम डाउन द कंसेंट्रेशन मूव करने की कोशिश नहीं करेगा बिल्कुल करेगा इस केस में रेस्टिंग स्टेज पे सोडियम की कोशिश होगी कि मैं अंदर आ जाऊं है ना डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्योंकि गेट खुला है पोटेशियम की कोशिश होगी कि मैं बाहर चला जाऊं गेट तो खुले कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर ऐसे इनको अलाउ किया कि सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर तो ये माइनस सेवेंटी डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए रेस्टिंग स्टेज पर यहां पर चलता है एक पंप क्या चलता है बच्चों यहां पर एक ना मेम्ब्रेन में पंप चलता है मोटर जिस मोटर से पानी निकालते हैं वैसी मोटर चलती है उस मोटर को आप बोलते हो सोडियम पोटेशियम पंप पंप क्या बोलते हो इसको सोडियम जिसका काम है कि यार मैं एनर्जी लूंगा एनर्जी मतलब मैं क्या लूंगा एटीपी लूंगा और तीन सोडियम बाहर फेंकूंगा दो पोटेशियम अंदर क्या करूंगा बच्चों मैं तीन सोडियम को बाहर बाहर मतलब ईसीएफ में और बच्चे दो पोटेशियम को अंदर ले लेंगे दो पोटेशियम अंदर लिए तो अंदर फिर से पोटेशियम ज्यादा तीन सोडियम बाहर फेंके तो फिर से बाहर सोडियम ज्यादा सो दैट मीन आपके रेस्टिंग स्टेज पर लीकी चैनल्स तो खुले हैं, सोडियम अंदर आने की कोशिश करता है पोटेशियम बाहर लेकिन उसको बैलेंस आउट कौन कर रहा है सोडियम पोटेशियम पंप ये चीज समझ आई कि नहीं कम ऑन गाइस मिस्टर सुशांत कुमार

पार्शियल क्या है नो no डाउट वो दोनों को अलाउ कर रही है बट पॉमेबिलिटी एक की ज्यादा है किसकी पोटेशियम की ऑफ़ इज़ मोर ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज ये कौन सी स्टेज के बारे में बात करी है हमने यहां पर रेस्टिंग स्टेज ये चीज समझ आई चलिए अब बात करते हैं कि स्टिमुलस आएगा ठीक है स्टिमुलस आना मतलब मैसेज आना आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया आपने कुछ देखा आपने कुछ सुना ये सब आपके न्यूरॉन्स के लिए क्या है stimulus है स्टिमुलस स्टिमुलस और वही वो रिसीव करेंगे जो बच्चे एक पर्टिकुलर वैल्यू का होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टिमुलस शुड बी देअर टू जेनरेट इम्पल्स दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टिमुलस इज कॉल्ड एज थ्रेश होल्ड क्या बोलते हो बच्चों मिनिमम अमाउंट ऑफ द स्टिमुलस क्या बोला जाता है उसको थ्रेस होल्ड स्टिमुलस कि यार अगर इस वैल्यू का स्टिमुलस आएगा तो बात बनेगी तो आगे मैसेज भेजेंगे नहीं तो नहीं भेजेंगे बिल्कुल अगर एक भी पॉइंट कम हुआ तो नहीं भेजेंगे और अगर एक भी पॉइंट इससे ज्यादा हुआ तो पूरा भेजेंगे दैट मीन्स ये दे ऑल्सो फॉलो ऑल और नॉन फिनोमिना है ना ये हमने फिनोमिना कहाँ पढ़ा था मसल फाइबर के केस में तो आपके जो नर्व फाइबर है जो न्यूरॉन है वो भी इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं कि थ्रेश होल्ड से अगर हल्का सा भी ज्यादा हो गया ना तो मैं आपका ऑल में चला जाऊंगा और हल्का सा भी कम हुआ तो नन ठीक है एंड द्रेश होल्ड द वैल्यू इज माइनस फिफ्टी फाइव मिलीवोल्ट कितना रहेगा माइनस फिफ्टी फाइव से रहेगा माइनस सिक्सटी मिलीवोल्ट माइनस सिक्सटी मिलीवोल दिस इज देश होल्ड स्टिमुलस अगर आपका थ्रेश होल्ड गया हमने मान लेना यहाँ पर इमेजिनेशन में चलेंगे बच्चों कि अगर आपका थ्रेश होल्ड स्टिमुलस आ गया ये आ गया यहाँ पे बिजली कड़का देते हैं थोड़ी सी जहां से तुम पता चल जाए ये आ गया बच्चों आपका थ्रेश होल्ड स्टिमुलस थ्रेश होल्ड स्टिमुलस टीएस यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज टीएस अगर आपका थ्रेश होल्ड स्टिमुलस आया तो एक स्पेशल टाइप के गेट खुल जाएंगे प्लाज्मा के अंदर गेट्स हैं कुछ तो लीकी चैनल थे कुछ क्या है वोल्टेज गेटेड चैनल जो कब खुलेंगे जब स्पेसिफिक वोल्टेज आएगी कौन सी वोल्टेज आई थ्रेश होल्ड स्टिमुलस आया ऑन द अराइवल ऑफ दिस थ्रेश होल्ड वोल्टेज गेटेड कौन खुलेगा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल दे विल ओपन हुई टू ओपन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जिसकी वजह से क्या होगा इनफ्लक्स ऑफ सोडियम मतलब इस तरीके की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी सोडियम अंदर आना चालू कर देगा अगर सोडियम अंदर आना चालू कर गया बच्चों तो अंदर नेट चार्ज क्या हो जाएगा अंदर नेट चार्ज क्या हो जाएगा कंपैरेटिवली पॉजिटिव है ना क्योंकि तो बड़ा सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया एंड बाहर नेट चार्ज क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये बात समझे कि सोडियम अंदर आया अंदर नेट चार्ज पॉजिटिव इस टाइम पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना दैट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल क्या बोला जाता है इसको एक्शन पोटेंशियल तो इसको भी कैलकुलेट किया वही कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से कैलकुलेट किया तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज है कितनी आई वैल्यू अराउंड प्लस थर्टी फाइव यहां पर मैं लिख देती हूं प्लस थर्टी मिलीवोल्ड्स टू प्लस फोर्टी मिलीवोल्स ये बत, ये बात समझे नहीं बेटा शोएबराज आज मैम को कहीं जाना है इस वजह से नहीं हो पाएगी कल सुबह करेंगे टेन ओ क्लॉक थर्टी हाँ, फाइव ले लो प्लस 35, कितनी भी हो सकती है इसमें वैल्यू दिस इज एक्शन पोटेंशियल एंड इस टाइम पे सिंस द पोलराइजेशन इज रिवर्स बच्चों ये देखो पहले बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था अब अगर देखोगे तो बाहर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है तो पोलराइजेशन हुई उल्टी एट दिस टाइम द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डिपोलराइज क्या बोला जाता है बच्चों इस टाइम पे मेम्ब्रेन को डीपोलराइज ये बात समझे अब ये वाली मेम्ब्रेन तो डीपोलराइज होने का मतलब है यहां तक इम्पल्स पहुंच गया अब यही मैसेज आगे भेजोगे तो अगली वाली डीपोलराइज होगी यही मैसेज आगे भेजोगे तो अगली वाली डीपोलराइज होगी लेकिन बच्चों तुम भी डीपोलराइज हो जाओ तो पिछले वाले को तो वापस रेस्ट पे लेके आओगे यस पिछले वाले को वापस रेस्ट पे लेके आओगे सो अब प्रोसेस स्टार्ट होगा रिपोलराइजेशन का किसका नेक्स्ट प्रोसेस इज गोइंग टू बी रीपोलराइजेशन अब रीपोलराइजेशन पे क्या हो रहा है रीपोलराइजेशन के टाइम पे ना एक मिनट मैं आपके एग्जोल लेमा बना दू रीपोलराइजेशन के टाइम पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स टे विल ओपन कौन ओपन करेगा वोल्टेज गेटेड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स दे विल ओपन और इस ओपननेस की वजह से प्लाजो मेब्रेन में चैनल खुल गए जिससे पोटेशियम जा सकता है सोडियम नहीं जा सकता है बहुत सारा पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा कहां जाएगा सेल से बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर गया तो बाहर वाली साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव है ना पॉजिटिव चार्ज को धक्के मारकर हमने बाहर निकाल दिया और अंदर वाली साइड पे कंपैरेटिवली थ्योरी इज गोइंग टू बी नेगेटिव चार्ज तो क्या ये चार्ज वाला स्टेटस बिल्कुल इसके तरह नहीं है रेस्टिंग स्टेज की तरह पोलराइज्ड में देखो क्या था पोलराइज्ड में बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव है तो यार रीपोलराइज्ड में भी तो अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव सब बच्चे बताओ यस yes. यस yes, बच्चे बताइए चीज समझ आई कि रीपोलराइजेशन में एक चीज में हम सफल हो गए किस चीज में चार्ज हमने सेम कर लिया बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज कर लिया लेकिन एक चीज में हम फेल हो गए बताओ क्या कोई गेस कर सकता है कि एक चीज है जो हमारी यहां से मैच नहीं हो रही पोलराइज स्टेट से मैच नहीं हो रही एक ही चीज है आपने चार्जेस तो सेम कर लिए बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव एक चीज में हार गए किस चीज में हार गए बच्चों किस चीज में हारे बताओ किस चीज में हार गए सामने है तुम्हारे सामने जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं वो समझ पाएंगे। चार्जेस में आप जीत गए आपने सेम कर दिया पोलराइज जैसा एक चीज में हार गए किस में हारे बच्चों आयंस में हार गए यहां ध्यान से देखो बाहर क्या था सोडियम अंदर क्या था पोटेशियम यहां पर ध्यान से देखो बाहर चला गया है पोटेशियम और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से अंदर सोडियम बैठा है तो आपने चार्जेस तो सेम कर दिए आयन हो गए उल्टे अब ठीक करो बैठ के है ना यहां पर बैठ के क्या करो उसको ठीक करो कैसे ठीक करेंगे कैसे ठीक करेंगे बच्चों इस स्टेज पर भी क्या चलता है सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप है जो एक एटीपी को यूज करके एनर्जी निकालेगा इसमें से एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी निकलेगी और एक बार जब ये पंप घूमेगा ना तो बच्चे थ्री सोडियम बाहर और दो पोटेशियम अंदर जब ऐसा होगा तो आपके आय भी बैलेंस हो जाएंगे बाहर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा सोडियम का अंदर किसका ज्यादा हो जाएगा पोटेशियम बिल्कुल सेम कंडीशन आ गई है 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 ना बिल्कुल सेम कंडीशन आ गई है। तो मैं एक बार इसको एक ही पेज पे लिख लेती हूं है ना रेस्टिंग अभी तुम समझ जाओगे रिवाइज कर रहे हैं जिसका कोई भी पॉइंट छूट गया है वो यहां पर रिवाइज कर सकता है रेस्टिंग देन एक्शन पोटेंशियल वाली स्टेज एक्शन पोटेंशियल वाली स्टेज एंड अदर वन इज रिपोलराइजेशन वाली स्टेज रिपोलराइजेशन ठीक है फटाफट से रिवाइज करते हैं रेस्टिंग स्टेज में बाहर कौन ज्यादा था रेस्टिंग स्टेज में बाहर ज्यादा थे सोडियम आयन अंदर कौन ज्यादा था पोटेशियम एंड साथ, साथ बोलो बच्चों साथ साथ मुझे सबके आंसर चाहिए अंदर कौन ज्यादा था पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज इस वजह से बाहर था पॉजिटिव है ना अंदर था आपका नेगेटिव यस बच्चों ये हालत थी रेस्टिंग स्टेज पे इस टाइम पे पोटेंशियल को क्या बोला रेस्टिंग पोटेंशियल कितनी वैल्यू थी बताओ 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 कितनी वैल्यू थी बच्चों माइनस सेवेंटी मिली बोल्स द मेम्ब्रेन इज हियर इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड क्या इस टाइम पे पंप चलता है बताओ क्या इस टाइम पे पंप चलता है कम ऑन गाइस क्या इस टाइम पे पंप चलता है येस और नो येस और नो में आंसर चाहिए क्या रेस्टिंग स्टेज पे पंप चलता है जिसने क्लास शुरू से लगाई है उसको पता है। ये पढ़ेंगे दूर से बच्चों आ रही है आपके लिए दूर से उड़ती हुई क्या आएगी एक फ्लाई करती हुई क्या आएगी बच्चों एक फ्लाई करती हुई एक चीज आ रही है आप सब पे वर्चुअल आ रही है वर्चुअल डिजिटल डिजिटल बनाया मैंने दूर से उड़ती हुई आ रही है बस बस अब अब दूर से उड़ते हुए पता है किसके पास पहुंचेगी ये पहुंचेगी जारा के पास ये पहुंचेगी रिया के पास ये पहुंचेगी करण के पास यस बस इन बच्चों के पास ये पहुंचने वाली है क्यों भाई रेस्टिंग स्टेज है ये रे रेस्टिंग स्टेज चल तो रहा है ये तो रहा पंप चलता है यस इट वर्क्स ठीक है रेस्टिंग स्टेज पे

क्या मूव किया सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड आपके सोडियम चैनल खुल गए सोडियम चैनल खुलेंगे वोल्टेज गेटेड तो सोडियम अंदर उड़ के आएगा है ना तो सबसे पहले क्या हुआ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम सो देअर इज गोइंग टू बी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम क्योंकि सोडियम के ही चैनल खुले हैं जिसकी वजह से अंदर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव है ना और बाहर कौन सा चार्ज हो गया था नेगेटिव रिवीजन हो रही है मैंने वैसे डिटेल में बता दिया है इस स्टेज पे आप मेम्रेन को क्या बोलते हो दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइज स्टेज ठीक है दिस इज कॉल्ड एज

कौन से गेट खोले बच्चों पोटेशियम के गेट खोल लिए जिसकी वजह से क्या हुआ ऑफ़ e पोटेशियम है ना इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम हमने नाइट्रियम लिख दिया यहां क्या आना था इफ्लक्स ऑफ पोटैशियम है ना राइट right. अगर पोटेशियम आयन बाहर आएंगे पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है तो बाहर कौन सा चार्ज हो गया पॉजिटिव बिल्कुल नेस्टिंग की तरह अंदर कौन सा चार्ज हो गया नेगेटिव तो हमने रिपोलराइजेशन में इसकी नकल करनी थी वो हमने कर दी ठीक है चार्जेस हमने बिल्कुल दोनों के क्या कर दिए सेम लेकिन आयन जुलटे हैं क्योंकि अंदर सोडियम बैठा है बाहर पोटेशियम बैठा है इसको भी बैलेंस आउट कर दो बाय बच्चों अगेन सोडियम पोटेशियम पंप जो तीन सोडियम बाहर फेंककर दो पोटेशियम अंदर करेगा जिससे बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी दिस वे यू विल मैच कंप्लीटली विद द रेस्टिंग स्टेज बताओ अब बताइए बच्चे क्लियर ठीक है हाँ थैंक यू विवेक कुमार तुम्हारी एक, एक्सपर्ट एडवाइस के लिए बट मैं तुम्हें एक, एक एक्सपर्ट एडवाइस दू कि यार पढ़ लो पढ़ाई पे ध्यान दे दो इससे कुछ नहीं होने वाला है है ना मैडम का कुछ नहीं जाने वाला है बिल्कुल लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ चला जाएगा ये फ्री की एडवाइस है देके ठीक है यस डन 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 ठीक है फैजान आप ब्रांचेस कहां देख रहे हो एग्जॉन की एग्जॉन पेड़ की तरह थोड़ा जिसकी ब्रांच निकलती है ठीक है कोयल थ्रेश होल्ड स्टिमुलस इज मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए सोडियम के गेट खोलने के लिए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खोलने के लिए आपको जो मिनिमम वैल्यू चाहिए ना उसको आप बोलते हो थ्रेश होल्ड स्टिमुलस एंड द मिनिमम वैल्यू इज माइनस टू माइनस सिक्सटी मिलीवोल्ट अगर वो वैल्यू नहीं आई तो बच्चे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा अगर वो वैल्यू आ गई तो एक्शन पोटेंशियल वुड बी जनरेटेड yes, और ऑल और नन फिनोमिना फॉलो होते हैं या तो पूरा होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा ओके थ्रेश वैल्यू बेटा लिखी हुई है ये देखिए ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है ये देखो माइनस फिफ्टी टू माइनस सिक्स मिली वोल्स अब ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं कहां पर डालूंगी आई विल पुट दिस होल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ लेट अस बच्चों ड्रॉ अ ग्राफ ठीक है रुक जाओ ओके okay. ठीक तो ये है भाई जीरो ठीक है इस एक्सेस पे हम क्या ले रहे हैं मिली, है. मिली, है है. मिली वोल्ट ले रहे हैं मिली वोल्ट ले रहे हैं इस एक्सेस पर ठीक है इधर देखिए दिस इज जीरो मिली वोल्ट ऊपर जाकर पॉजिटिव होगा नीचे जाकर नेगेटिव होगा है ना तो आपका रेस्टिंग पोटेंशियल कितने मिली पे होता है बताओ अब आपसे सवालों का टाइम आ गया रेस्टिंग पोटेंशियल कितने मिलीवोल्ट पे होता है रेस्टिंग रेस्ट Rest कितने मिलीवोल्ट पे करते हैं ये माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट. तो जीरो से नीचे गए यहां पर क्या आया माइनस सेवेंटी मिली रेस्ट कर रहे थे सो दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल ठीक है फिर क्या मिला इनको तड़कता भड़कता थ्रेस होल्ड स्टिमुलस किस वैल्यू का मिला माइनस फिफ्टी फाइव टू माइनस सिक्सटी तो मैं यहां पर लिख लेती हूं माइनस फिफ्टी फाइव मिली वोल्ड ये क्या है? मिला. जैसे ही रेस्टिंग वाले चैनल ओपन हुए सोडियम या पोटेशियम ऑन गाइस कौन से वाले चैनल ओपन हुए सोडियम या फिर पोटेशियम यस बताओ बताओ कौन से चैनल ओपन हुए रेस्टिंग वैल्यू इससे ऊपर ही होगी ना इतना तो मैथ जानते हो माइनस फिफ्टी फाइव नीचे तो नहीं आएगा ऊपर ही आएगा हां जी, कौन से चैनल ओपन हुए वेरी नाइस अन्य त्रिपाठी सोडियम वाले चैनल वोल्टेज चैनल ओपन हुए। जिसकी वजह से क्या होगा अब? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम क्या हुआ बच्चे इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनफ्लक्स ऑफ सोडियम और मेम्रेन क्या कहलाई डी क्या कहलाई Depolarize. और कहां तक चला गया बच्चे तक चला गया और action potential कितना है? 35 मिली वोल्ट और यहां तक आपके आ चुके हैं प्लस तो यहीं तक आएगा ना प्लस तो यहीं तक आएगा फिर क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी रिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन में आपका एक ग्राफ फिर से आएगा नीचे ठीक है हम कहां तक लाना चाहते थे बच्चे हम चाहते थे कि तू तो ना रेस्टिंग से मैच कर जा रेस्टिंग से मैच कर जा मतलब आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन रहने चाहिए थे ताकि क्या होता ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम होता और बच्चे यहां मेम्ब्रेन कहलाती रिपोलराइज देखो वो खुले तो रहने चाहिए थे माइनस सेवेंटी तक की तो हम अपना वापस आ जाते लेकिन लेकिन बच्चों थोड़े ज्यादा देर के लिए खुले रह जाते हैं थोड़े ज्यादा देर के लिए खुले रह जाएंगे तो हम थोड़ा और नीचे चले जाएंगे कितना नीचे चले जाएंगे माइनस नाइनटी तक नीचे चले जाएंगे फिर वापस उसको सोडियम पोटेशियम पंप माइनस सेवेंटी पर ही ला पाएगा दिस स्टेज वेन बच्चों आपकी रिपोलराइजेशन थोड़ी ज्यादा देर के लिए हो जाती है माइनस सेवेंटी तक होनी थी लेकिन माइनस नाइनटी तक चली गई किस वजह से क्योंकि पोटेशियम चैनल थोड़ी ज्यादा देर के लिए ओपन रह गए दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन क्या बोला जाता है okay? तो पे सोडियम वाले गेट खुले इधर पोटेशियम वाले खुले इधर भी पोटेशियम वाले खुले थोड़ी ज्यादा देर के लिए ओके okay? समझे बच्चों यस yes, मुस्कान माइनस नाइन इज गोइंग टू बी हाइपर पोलराइज डन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स ठीक है तब होती है बच्चों हो हो गए गया तो आपके न्यूरॉन में इस तरीके से आपका मैसेज जाता है अगर तो न्यूरॉन भाई ऐसा है ये आपकी एक्सॉन है फिर से मैंने इसको लिटा दिया है ना हॉरिजॉन्टल में अगर तो न्यूरॉन ऐसा है तो ये एक्सचेंज होता रहेगा यहां पर यहां पर हर जगह पर एक्सचेंज हो रहा है हर जगह पर एक्सचेंज हो रहा है मतलब मैसेज जा रहा है डिपोलराइजेशन 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 मान लो ये तीन एरियाज हैं वन टू थ्री ए बी सी सबसे पहले ए डिपोलराइज होगा फिर बच्चे बी डिपोलराइज होगा फिर सी डिपोलराइज होगा बट जब बी डिपोलराइज हो रहा था तब ए क्या हो जाएगा रिपोलराइज जब सी डिपोलराइज हो रहा था तब बी क्या हो जाएगा रिपोलराइज तो इस तरीके से मैसेज विल कीप ऑन गोइंग कीप ऑन गोइंग लेकिन बच्चों सारे न्यूरॉन तो ऐसे नहीं है कुछ एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट है एक शीत कौन सी माइलिन शीथ सम ऑफ द एक्सॉन्स दे आर माइलिनेटेड एक्सॉन है ना सम ऑफ द एक्सॉन दे आर माइलिनेटेड एक्सॉन क्या है ये माइलिन शीट अब माइलिन के बारे में हमने बात की थी कि माइलिन तो इंसुलेटर है ये तो एक्सचेंज होने ही नहीं देगा तो एक्सचेंज सिर्फ कहा होगा एक्सचेंज बच्चे यहां होगा इतनी सी जगह पे फिर बच्चे एक्सचेंज होगा यहां पर इतनी सी जगह पे फिर इतनी सी जगह पे मतलब द इम्पल्स इज एक्चुअली जम्पिंग इस जगह पे थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ फिर यहां जंप करके उड़ गई फिर बच्चे अगेन पोर्शन एक्सचेंज इज गोइंग टू है और इस पोर्शन को क्या बोलते हो नोट ऑफ रैनवियर क्या बोलते हो बेटा नोट ऑफ रैनवियर अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ कि यार एक तो इम्पल्स ऐसे जा रही है एक ऐसे उड़ उड के जा रही है कौन सी जल्दी पहुंचेगी कौन सी जल्दी पहुंचेगी ये बात बताओ कौन सी जल्दी पहुंचेगी हाँ मिस्टर प्रधान हो गया जल्दी कौन सी पहुंचेगी बिल्कुल लाइक अ फ्रॉग लाइक अ फ्रॉग हॉप्स वैसे ही द इम्पल्स होपिंग ठीक है कौन सी जल्दी पहुंचेगी उड़ने वाली उड़ने मतलब यार उड़ने से तुम समझ लो जंप करने वाली है ना यहां से जंप किया यहां यहां से जंप किया यहां होते नहीं कुछ बच्चे कि मैम मैंने तो नर्सरी की नहीं हुई या फिर मैंने तो फर्स्ट क्लास की नहीं मैं तो सीधा के के बाद थर्ड में आ गया था पहले होता था अब कह ऐसा नहीं होता पहले इनफैक्ट हमारे भी पेरेंट्स के टाइम पे होता था दे दूस टू स्किप क्लासेस यस कि थर्ड में पढ़ रहे हैं सीधा फिफ्थ में पहुंचोगे प्रमोट कर दिया स्कूल ने प्रमोट कर दिया ना बीच में जंप कर गए तो चलता है माइलिनेटेड में kind of जल्दी डिग्री पूरी हो जाएगी ना तुम्हारी अगर क्लास से जंप करोगे एंड दिस काइंड ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड एज सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या बोलते हैं इसको सॉल्टेटरी कंडक्शन ठीक है एक और फायदा बच्चों जैसे क्लास जंप करते हैं तो पैसों में भी तो फायदा होता है एक क्लास की फीस ही नहीं गई स्कूल को है ना स्कूल ने फर्स्ट से सीधा किस में डाल दिया थर्ड में डाल दिया सेकेंड क्लास की तो फीस ही नहीं दी यहां पर भी वैसे ही है भाई दिस वन इज इस चीपर इसमें पैसे कम लगते हैं अब सेल के लिए पैसे क्या है सेल के लिए पैसे एटीपी एनर्जी करेंसी करेंसी तो वही है ना सेल की एटीपी अगर तो ये सारा ऐसे खुला होता कोई माइलिनेशन ना होती तो यहां भी सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा यहां भी यहां भी यहां पर हर जगह सोडियम पोटेशियम पंप चल सकता है और आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप लेता है एटीपी यूज करते हैं पैसे वो ठीक है लेकिन यहां पर तो पंप के चलने की जगह ही बसी है इतनी जगह पे चलेगा फिर यहां चलेगा फिर यहां चलेगा फिर यहां चलेगा दैट मीनस दिस काइंड ऑफ कंडक्शन इज इकोनॉमिकल एज वेल इकोनॉमिकल मतलब सस्ता है यहां पर एटीपी यहां पर वो पंप को कम जगह पर चलने का मौका मिल रहा है कम जगह पे चलेगा तो कम एटीपी यूज होंगे कम एटीपी मतलब सस्ता यस yes, बच्चों ठीक है समझे हां जी इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट यार एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो ये हो गई आपकी सोलडेटरी कंडक्शन विच इज मोर इकोनॉमिकल विच इज फास्टर अब वर्टिब्रेट्स ने तो बड़ा अच्छा तरीका निकाल लिया फटाफट इंपल्स भेजने का अगर मुझे जल्दी से मैसेज भेजना है हम सोल्टेटरी के थ्रू भेजेंगे हमारी बॉडी में तो दोनों न्यूरॉन्स हैं माइलिनेटेड भी हैं और इस तरीके से नॉन माइलिनेटेड भी हैं दोनों हैं जब हमें तेजी करानी होगी तब आप माइलिनेटेड के थ्रू भेज दोगे लेकिन वर्टिब्रेट्स ने तो ये कर लिया इनवर्टिब्रेट्स क्या करें बेचारे उनके पास तो माइलिनेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनको अगर तेजी से कुछ भेजना है तो कैसे भेजेंगे हाँ जी तो अब हम बात करेंगे कि यार किस किस तरीके से हम फास्ट कर सकते हैं हाउ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन स्पीड ऑफ कंडक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हो कैसे बढ़ा सकते हो दो तरीके हैं दो क्या तीन है वैसे तो पहला तरीका तो अभी हमने पढ़ लिया कि यार एक तो क्या कर दो माइलीनेशन कर दो एक तो क्या कर दो माइलिनेशन कर दो माइलिन लगा दोगे तो अपने आप जंप करके जाना पड़ेगा जंप करके जाओगे तो तेजी तेज पहुंचोगे ठीक है दूसरा ये तो वर्टिब्रेट्स ने ले लिया इन वर्टिब्रेट्स क्या करें इन वर्टिब्रेट्स क्या करते हैं अपनी न्यूरॉन का डायामीटर इंक्रीज कर देते हैं सो इफ यू इंक्रीज द डाया मीटर ऑफ एक्जोन ठीक है इफ यू इंक्रीज द डायामी ऑफ एक्जोन तो तेजी से दौड़ेगा है ना आप न्यूरोन का क्या कर दो ये डायामीटर को बढ़ा दो ये डायमीटर बढ़ जाएगा तो यार उसको न्यूरॉन हो होता है, बहुत बड़ा होता है. Squid, तीसरा, और क्या कर सकते हो और बच्चे आप टेम्परेचर बढ़ा दो इंक्रीज द टेम्परेचर इफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑब्वियसली स्पीड ऑफ द कंडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज ओके बेटा डन तो इस तरीके से आप स्पीड ऑफ कंडक्शन को कंट्रोल कर सकते हो नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इज डन अब बात करते हैं जो बीच का गैप है ना बीच का जो गैप है ये था आपका एक न्यूरॉन ठीक है ये था आपका एक न्यूरॉन ठीक है मैं जस्ट आउटलाइन बना रही हूं ये है आपका नेक्स्ट न्यूरॉन ठीक है थका मत करो यार इतनी जल्दी क्यों इतना थक जाते हो तुम क्यों इतना थक जाते हो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है तुमको नीट नहीं क्रैक करना है यानी कि आने वाले जो महीने उनको अच्छे से यूज नहीं करना है तो प्लीज नाटक मत करा करो यहाँ कर यहां पर सीरियस क्लास हो रही है अगर क्लास एक घंटे थोड़ा सा ऊपर भी होगी तो क्या हो गया कुछ नहीं हुआ ना हम टॉपिक पूरा करेंगे कौन सा केमिकल वाला भी ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो वाला तो कर लिया आप केमिकल वाला भी तो छोड़ के थोड़ा जाएंगे ये तो ये बच्चों आपके यहां से यहां न्यूरॉन यहां से यहां न्यूरॉन के अंदर अगर आपको मैसेज भेजना था तो इलेक्ट्रिकल भेज लिया यहां से यहां आपको भेजना है तो इलेक्ट्रिकल भेज लिया। अब बात करेंगे कि यार इस गैप में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। दिस जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइन जिसका फोटो भी बना हुआ है एनसीईआरटी में है ना साइन जंक्शन बिटवीन टू इज कॉल्ड एज साइन ठीक है चलिए साइन एप्स के बारे में पढ़ते हैं बहुत इजी इजी है बहुत टेंथ क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा नया है बाकी सब पुराना है हां जी तो लेट अस टॉक अबाउट साइन एप्स क्या होता है इट्स अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स अब क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी क्या है क्या है या तो एक्सॉन डेंड्राइट के साथ, साथ साइन बनाएगी इसको आप बोल सकते हो एक्सो डेंड्रिटिक डेंडरेटिक कई बार क्या होता है एग्जोन ना सेल बॉडी के साथ भी साइन एप्स बनाती है ये तो डेंड्राइट के साथ बनाई है कई बार सेल बॉडी के साथ भी बनाती है कॉल्ड सोमा मतलब सेल बॉडी है ना तो एक्सोसोमैटिक समटाइम्स समटाइम्स एक्सॉन मेक्स साइन विद अनदर एक्सॉन यहां पे इस तरीके से यहां पर भी साइन बन सकता है, है ना विद अनदर एक्सॉन That is called as exo क्या बोलोगे इसको एक्सो exo एक्सोनिक तो आज जो हम साइनाप्स के बारे में बात करने वाले हैं वो क्लासिक साइनाप्स के बारे में बात करेंगे ठीक है? अब बच्चे साइनाप्स वाली जगह में बीच में जो खाली जगह है वो खाली जगह डिसाइड करेगी कि तुम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन करोगे या फिर केमिकल ट्रांसमिशन करोगे इफ द गैप इज वेरी वेरी लेस तो जो इलेक्ट्रिसिटी यहां तक पहुंच रही थी मतलब जो आयन का एक्सचेंज यहां हो रहा था वही तुरंत से आगे वाले डेंड्राइट में हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल साइन एप्स इट विल हैपन Only when two, two, two neurons are very much close to each other. Always remember, कभी भी दो न्यूरॉन ना ऐसे टच नहीं करते नेवर दे नेवर टच देर इज ऑलवेज अ गैप बीच में थोड़ा सा गैप होगा अगर गैप कम है तो बच्चे वो है इलेक्ट्रिकल अगर गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल जंप नहीं कर सकती इतना नहीं जंप कर सकते है ना इतनी हमारी वो लीप मारने वाली एबिलिटी नहीं है तो हमें जरूरत पड़ेगी केमिकल की सो लेट अस राइट टाइप्स ऑफ साइन ठीक है दो तरीके के साइन हैं आपके पास एक तो सिंपल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल साइन दूसरा है बेटा आपका केमिकल साइना इलेक्ट्रिकल कहां पर बनेगा जहां पर गैप इज वेरी लेस लेस देन इक्वल टू नैनोमीटर ठीक है अगर आपका गैप क्या है बहुत कम है अगर गैप अरे कहां गए अगर गैप क्या है ज्यादा है इफ द गैप इज मोर दैट मीन्स बिटवीन टेन नैनोमीटर टेन नैनोमीटर टू ट्वेंटी नैनोमीटर तो बच्चे यहां पर क्या होगा आपका केमिकल साइन इलेक्ट्रिकल में आपको कोई न्यूरो की जरूरत नहीं है यहाँ पर न्यूरो की जरूरत पड़ेगी है ना वही केमिकल है न्यूरो ट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व बॉडी में ज्यादा कौन से होते हैं केमिकल दे आर मोर इन नंबर दे आर मोर इन नंबर अच्छा कभी ये है कि फायदेमंद कौन सा है चलो वो नंबर तो उसका ज्यादा बट ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है बॉडी में मतलब किससे उसको ज्यादा फायदा मिलेगा बताइए ज्यादा इफेक्टिव कौन सा फायदेमंद कौन सा हाँ जी इन दिस केस देर इज नो न्यूरो ट्रांसमीटर बताओ जब तक मैं लिख रही हूं तब तक बताओ न्यूरो ट्रांसमीटर ओके गाइस कमेंट टेल मी फायदेमंद कौन सा मतलब जिससे बॉडी को बड़ा फायदा हो रहा है हाँ जी फायदेमंद कौन सा अच्छा चौधरी बॉय ने ठीक बताया देन एसीएच थोड़ा पूछा है प्रधान जी मैंने क्या पूछा है हाँ जी कैप इज मोर इन केमिकल फायदेमंद कौन सा है फायदेमंद बच्चों वो है जिसमें आप ना आपके पास ऑप्शंस है जिसमें आपके पास क्या है ऑप्शंस है ये देखो अगर यहां पर इलेक्ट्रिकल है मान लो अगर यहां पर इलेक्ट्रिकल साइन एप्स होता तो जो मैसेज यहां पर आ रहा था वही आगे जाना था मतलब अगर यहां पर मैसेज आ रहा था डीपोलराइजेशन का तो अगले को भी डीपोलराइज होना ही पड़ता चॉइस नहीं है लेकिन बच्चों अगर यहां पर केमिकल है केमिकल में चॉइस होती है तुम्हारे पास केमिकल में क्या होती है बच्चों चॉइस होती है क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर भी होते हैं और बेटा इनहिबिटरी भी होते हैं इनहिबिटरी भी होते हैं स्टिमुलेटरी मतलब पॉजिटिव सिग्नल पॉजिटिव सिग्नल मतलब कि ये डिपोलराइज है तो अगला वाला भी डिपोलराइज अगर यहां पर स्टिमुलेटरी वाला न्यूरोट्रांसमीटर आ गया वो वाला केमिकल आ गया अगर यहां इनहिबिटरी वाला केमिकल आ गया तो बच्चे पीछे से अगर डीपोलराइजेशन थी तो आगे रिपोलराइजेशन हो जाएगी तो यह चॉइस है तुम अपनी मर्जी से काम करा सकते हो कि तुम्हें कराना 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 है 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 या फिर रिपोलराइज अगर तुम्हें कराना है, तो तुम स्टिमुलेटरी वाला रिलीज कर दो साइनाप्टिक वेसिकल में से अगर तुम्हें रिपोलराइज कराना है तो तुम इनहिबिटरी वाला रिलीज कर दो फायदेमंद वाली बात है कि नहीं इलेक्ट्रिकल में तो भाई जो यहां पर आया वही आगे जाएगा उसमें कोई चॉइस नहीं है यस यस बच्चों क्लियर है तो फायदेमंद कौन से है आपके केमिकल साइनाप्स so, अब बच्चों बात करेंगे हम केमिकल साइनाप्स की लेट अस टॉक अबाउट केमिकल इसको समझना मैं कौन सा वाला साइनाप्स बनाऊंगी एग्जोटेड्रेटिक साइनाप्स तो एक है बच्चों हमारे पास ऊपर वाले न्यूरॉन का इज एक्सॉन so, ठीक है ये आपका एक्सॉन है ये एक्सॉन आ रहा था एक्सॉन ने आगे क्या बनाया साइनेप्टिक नॉब बनाया दिस इज साइनेप्टिक नॉब ठीक है साइनाप्टिक नॉब के अंदर कौन बैठे हैं बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स कौन बैठे हैं साइनेप्टिक वेसिकल ठीक ओ, ओ, ओ कहा चले गए यस yes, बचा हुआ है बहुत सारे क्या बैठे हैं साइनाप्टिक वेसिकल ये क्या है दिस इज साइनाप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरा हुआ है साथ साथ बताते जाओ दिस इज गोइंग टू बी न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है ये दिस इज न्यूरो ट्रांसमीटर ये कलर दिख रहा है इमेजिन कर लेना ग्रीन कलर से मैंने क्या लिखा है न्यूरो ट्रांसमीटर yes. ये जो एक्सॉन है ये साइनाक्स बना रही है अगले हिस्से के डेंड्राइट से तो आगे बना लेते हैं हम ये है बच्चों हमारा डेंड्राइट का हिस्सा क्या है ये दिस इज द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरोन ठीक है डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरोन इस डेंड्राइट के ऊपर क्या प्रेजेंट है इस डेंड्राइट के ऊपर प्रेजेंट है रिसेप्टर्स फॉर न्यूरो क्या प्रेजेंट है रिसेप्टर सो दिज आर कॉल रिसे न्यूरो रिसेप्टर फॉर न्यूरो अब यह जो जंक्शन बना है ना एग्जॉन और डेनराइट के बीच में इस पूरे जंक्शन को क्या बोलते हो साइना बोलते हो दिस गैप बिटवीन ये जो गैप है बीच में स्पेस है दिस गैप बिटवीन टू न्यूरो साइनाप्टिक लेफ्ट क्या बोला जाता है गैप को इट इज कॉल्डासफ्ट ये आपने टेंथ वाली कक्षा में किया था है ना? वहां पर मुझे याद है एनटीएससी के लिए इनफैक्ट नॉर्मल बोर्ड में भी आपका आता है साइनाप्टिक क्लेफ्ट से पहले वाला न्यूरॉन ये के बाद वाला तो यारेम्ब्रेन क्या कहलाएगी प्री साइनाप्टिक बोल सकते हैं यस और नो बताइए दिस इज प्री साइनाप्ट मेंब्रेन राइट एंड दिस मेंब्रेन द ब्लू वन दिस इज कॉल्ड लास्ट ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है तो इस मेम्रेन को आप बोलोगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यस लेबलिंग इज डन बताओ समझे लेबलिंग डन प्री और पोस्ट बीच में क्या है जंक्शन है जंक्शन का नाम है साइनेप्स ये साइनेप्स है ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है अब इमेजिन अब क्या करना है बच्चों आपको अपनी इमेजिनेशन बढ़ानी है कि मैसेज आ रहा है बस इमेजिन कर लो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मैसेज आ रहा है यहां पर मैसेज आ रहा है जैसे ही मैसेज पहुंचेगा सिनेप्टिक नोब के पास किसके पास सिनेप्टिक नोब के पास, पास. सबसे पहले आपके प्री सिनेप्टिक मेंब्रेन में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल विल ओपन मैं लिख रही हूं ध्यान देना मैम ने क्या लिखा है जैसे ही बच्चों यहां मैसेज पहुंचा तो सबसे पहले क्या हुई ओपनिंग ऑफ किसकी वोल्टेज गेटेड ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड हां जी कौन से चैनल कैल्शियम गेटेड चैनल्स मतलब जैसे ही मैसेज आएगा कौन अंदर आएगा जैसे ही मैसेज आया बच्चों कैल्शियम के चैनल को गेट खुल गए ना कैल्शियम जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा ये जो आपका साइनेप्टिक नॉब है ना ये आते 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 फ्यूज कर जाएगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ देख रहे हो ये इसके नजदीक आया और यहां पर आकर इससे फ्यूज कर गया जब ये प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन इससे फ्यूज करेगा जो इसके अंदर का सामान है ना ऑल द सामान विल कम आउट है ना एक्सोसाइटोसिस हो गई क्या हो गई बच्चों एक्सोसाइटोसिस हो गई न्यूरो ट्रांसमीटर की है ना इसके बाद क्या हुआ देयर इज फ्यूजन फ्यूजन ऑफ साइनाप्टिक वेसिकल विद प्रीसाइनाप्टिक मेम्ब्रेन सही लिख रही हूं यस और नो बताते जाओ फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल विद प्री साइनेप्टिक मेम्रेन और अगर फ्यूजन हुई तो क्या हो जाएगा एक्जोसाइटोसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर है ना अब न्यूरोट्रांसमीटर अगर बाहर आएगा तो किससे जुड़ेगा इट विल जॉइन विद इट्स रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जैसे ही वो रिसेप्टर से जुड़ेंगे ना बस उनका काम हो जाएगा जो काम करना था सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स शुड बी जनरेटेड इन नेक्स्ट न्यूरॉन ये है आपका केमिकल साइनाप्स। मैसेज आया कैल्शियम अंदर आए

ये मेरे बालों ने कलाकारी किया लिखते हैं ये भी ये देखो ये भी लिखना चाहते हैं ये भी टीचर बनना चाहते हैं बच्चों हाँ जी बता दो मैम को थम्स अप दिखा दो जिस जिस को ये 100 समझ जिसको सेशन को लाइक भी करो यार आज इतना टिपिकल सा टॉपिक हमने इतने सिंप्लीफाइड वे में समझा तो मुझे लगता है आज का सेशन तो आपको शेयर करना बनता है अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस टॉपिक में समझने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी रहती है यस क्लियर हा यस मिस्टर शेख सही कह रहे हो सही कह रहे हो ठीक है हो गया अब मैं लिखवा कि स्टिमुलेट्री कौन है और इनहिबिटरी कौन है कि तुम्हें पता है लिखवाऊं कि बच्चों पता है चलिए लिख लो फिर लिख लो बच्चों एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमिटर एंड स्टिमुलेट्री थोड़े से ही है तो सबसे पहले लिखेंगे हम स्टिमुलेट्री

फरेन ठीक है नॉर एपी और क्या आ जाएगा ग्लूटामेट ग्लूटामेट ठीक है ए ई एन जी एन जी और इनहिबिटरी कौन से होंगे आपके सेरोटोनिन सेरोटोनिन और कौन होगा डोपामिन डोपिन और कौन हो गए बच्चों गाबा गामा अमीनो विटायरिक एसिड दैट इज गाबा ठीक है तो कई बार ही ना डोपामिन की कमी की वजह से क्या हो जाता है डिसऑर्डर हो जाता है दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज पार्किंसन एक्चुअली में डोपामीन क्या करता है इनहिबिट करता है मसल की जो कॉन्ट्रेक्शन है मान लो मेरा हाथ मूव कर रहा है अब अगर मुझे मूवमेंट रोकनी है चलती चलती मूवमेंट रोकनी है तो मैं इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करूंगी तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन इसको समझो ठीक है डोपामिन आएगा तो ये चलता चलता हाथ रुक जाएगा है ना लेकिन अगर डोपामिन कम हो जाए तो इनहिबिशन ही नहीं हो पाएगी इनहिबिशन नहीं हो पाएगी तो ना चाहते हुए भी मेरा हाथ मूव करेगा क्या होंगे बच्चों शेकिंग हैंड्स होंगे ऐसा लगेगा हाथ कांप रहे हैं क्या बोला जाता है उसको पार्किंसंस दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच बच्चों जीन्स में ऑल्टरेशन की वजह से जो आपका डोपामीन है डोपामीन का लेवल क्या हो जाता है कम हो जाता है तो आप ना चाहते हुए भी आपका हाथ हिलता रहेगा हिलता रहेगा क्योंकि इसने इनहिबिट करना था इसने रोकना था इस हिलने को लेकिन बच्चों अगर ये नहीं आया लेस इन हुआ तो क्या हो जाएगा हो जाएगा वैसे एक और डिसऑर्डर एसोसिएटेड है विच इज रिलेटेड टू मेमोरी लॉस दैट इज कॉल्ड एज ऑलर्स है ना ऑलमर्स तो ऑलजाइमर्स भी किसकी वजह से होता है लो एसिटाइल कोल आला है ना ऑलजाइमर्स

टरी एंड एनहेबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर अब बताओ बच्चों मजा आया कि नहीं आया आज आज मजा आया कि नहीं आया बच्चों हांजी सुशांत कुमार तुम लेट नहीं तुम महा लेट हो गए हो सेशन कब शुरू हुआ था? था थ्री थर्टी पे अब बजने वाले पांच इतना इम्पोर्टेंट इतना इंटरेस्टिंग सेशन जिसने मिस कर दिया रिकॉर्डिंग देख के नो डाउट आपको समझ तो आ जाएगा बट मुझे लगता है कि जो लाइव में फील आती है ना लाइव में वो अलग ही है

ये देख लो मैम की स्पेशल क्लास का स्केड्यूल कल से हम फिर से रिज्यूम करेंगे आज मैम को कहीं जाना है ठीक है तो इसीलिए आज का नहीं हो रहा है बट कल फिर से बायोब्लास्ट सुबह दस बजे टेस्ट सीरीज शाम को छह बजे

बहुत सारे बच्चों ने 180 में से 180 भी स्कोर किया है बहुत बच्चों ने वन द एक्स्ट्रा थिंग कि यार वो तुमसे अलग क्यों है उनके नंबर क्यों आ रहे तुम्हारे नंबर क्यों आ रहे हैं मैं बताऊं रेगुलरिटी। ये जो वर्ड है ना रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी ये वर्ड उनमें है वो रोज आते हैं रोज सीखते हैं रोज कुछ लेकर सोते हैं कुछ बच्चे थे दो दिन आए जोश था फिर बच्चे जोश धीरे 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 खत्म हुआ बस गायब तो ये जो गायब होने वाला आपका टेंडेंसी है ना वो आपको कभी आगे आगे नहीं लेके जाएगा ठीक है तो आप ये फ्री स्पेशल क्लासेस लगाया करो एक्चुअली मेरी प्रोफाइल बनी हुई है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉलो करने से क्या होगा फॉलो करने से ना आपको मेरी हर स्पेशल क्लास फिर दिखाई देगी ठीक है इफ यू विल फॉलो मी बच्चों देन यू विल बी एबल टू सी ऑल माई स्पेशल क्लासेस ये देख रहे हो ये सारी क्या अपनी स्पेशल क्लासेस होती है तो आप सीप लाइफ कोड यूज करके सारी स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो ठीक है एंड आज की डीपी भी इंपॉर्टेंट डीपी भी है मैं जस्ट अभी सेशन के बाद शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पर विच इज एन अकेडमी नीड्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नया चैनल है इसको जरूर जरूर ज्वाइन करो नया चैनल है तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हजारों बच्चे हमारे खास उस चैनल पर जुड़ चुके हैं क्योंकि डेली आपको डीपीपी और नोट्स मिलते हैं वहां पर हैंड रिटन नोट्स टीचर यहाँ खुद आगे लिख रहे हैं आपके लिए और क्या चाहते हो इससे ज्यादा स्पून फीडिंग क्या करें यार तुम्हारी लर्न तो तुम्हें करना पड़ेगा यहाँ पर एवरीथिंग वी आर राइटिंग फॉर यू बट वी वॉन्ट यू टू राइट एस वेल ठीक है तो डीपीपी और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इस नए टेलीग्राम चैनल पर लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन जस्ट आफ्टर द सेशन मिल जाते हैं मंथन के इस बारे वाले टेस्ट में डालूंगी एक्सक्रीशन प्लस लोकोमोशन दो चीजें आएंगी सैटरडे को टेस्ट होता है तीन बजे से जरूर करना, देन बच्चे प्लस में आप हिस्सा ले सकते हो क्योंकि प्लस जो बैचेस है ना हमारे क्योंकि वहां पर आपके पास स्टडी प्लानर है वहां पर आपके पास कोच है वहां पर आपके पास लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स है वहां पर आपके पास रिविजन सीरीज है वहां पर आपके पास प्रैक्टिस सीरीज है वहां पर मतलब वो हर चीज मिल रही है डी uh, भी मिल रही हैं एक और स्ट्रक्चर्ड वे में क्विज़ेज़ हो रहे हैं टेस्ट हो रहे हैं वो हर चीज है बच्चों जो एक नीट एस्पिरेंट को नीट क्लियर करने के लिए चाहिए आप एक्सपीरियंस ले सकते हो अपने पुराने अपने सीनियर से अपने प्लस सब्सक्राइबर से और इस बार तो बच्चों रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे आ रहे हैं हमारे पास हाँ जी जेई का भी रिजल्ट निकाला है हमने आपने देखा होगा अन अकेडमी का जेई का रिजल्ट सुपर देर इज अडियो ऑनअकेडमी जेई चैनल जहां पे हमने बच्चे दिखाए हैं कि ये बच्चे अन अकेडमी प्लस से पढ़कर जेई मेन्स में इतना अच्छा कर गए हैं तो अगला जो वीडियो बनना चाहिए ना वो आप लोगों का बनना चाहिए कि ये लोग अन अकेडमी नीट से पढ़कर इतने मार्क्स लेकर आए हैं क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल भी नहीं ठीक है तो आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इफ यू वांट दैट एक्स्ट्रा एज क्योंकि अब प्लस के बच्चों से रिजल्ट आ रहा है तो अगर आप भी चाहते हो कि आप में रिजल्ट आए और थोड़ी आसानी से आ जाए है ना मतलब आपको

वो बच्चे इस साल का नहीं अगले साल की तैयारी करो कुछ गलत नहीं है ये सच्चाई है कोई लोग आपके बोलते होंगे आगे चार महीने में नीट कर ये चार चीजें कर लोगे तो नीट हो जाएगा नहीं हो सकता ठीक है वो ये वाला ले जिनको लगता है कि हो सकता है कि मुझे बहुत सारा आता है मुझे बस थोड़े से गाइडेंस मुझे एक थोड़े पुश मुझे एक फोर्स की जरूरत है वो लोग लेंगे छह महीने वाला और जो 11th क्लास वाले हैं वो तो कौन सा लेंगे 1 ईयर वाला लेंगे जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक कोड याद रखना दैट इज सीप लाइफ जिससे बेटा आपको ऑफ मिलेगा 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट प्लस आपको यू you नो know, सब टीचर्स से आप बात कर सकते हो सब टीचर्स के कोर्सेस देख सकते हो बट इट विल बी काइंड ऑफ अ ग्रेटिट्यूड ऑफ यू गाइज टू वर्ड्स योर टीचर इफ़ यू यूज देयर कोट की येस मैम वी लाइक योर टीचिंग ठीक है बाकी बेनिफिट तो आपको हर जगह सेम ही मिलता है ठीक है और अगर आप चाहते हो कि आपके पीछे एक कोच लगा दिया जाए है ना जो आपको बैठने ना दे रेस्ट ना करने दे, कि भाई तो काम क्यों नहीं कर रहा इतना काम दिया था क्यों नहीं हुआ मतलब देन देर विल बी सम इज अकाउंटेबल फॉर यू ठीक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसको भी उतने ही डर है आपके नीट की जितनी आपको है तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पर्सनलाइज कोच मिले अलोंग विद प्लस तो आपके लिए कौन से सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक बेस्ट सब्सक्रिप्शन है वहां पर टॉप मोस्ट फैकल्टी के सेशंस होते रहते हैं आप जब प्लस में आओगे ना मेरी तरह बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स वहां पर आपको पढ़ा रहे हैं वहां पर आप जिससे पढ़ना चाहे उससे पढ़ सकते हो सबसे पढ़ना चाहे सबसे पढ़ सकते हो ठीक है तो आइकॉनिक में आई एम ऑल्स वन ऑफ द पैनलिस्ट हमारे वहां पर होते रहते हैं बच्चों के साथ आप आइकॉनिक वाले से पूछना इज एक्सपीरियंस बी टू सी क्या आइकॉनिक में ये भी मिल सकता है आज तक कोई ऑफलाइन ऑनलाइन कोई कोचिंग नहीं है जिसमें इस टाइप के फीचर्स आपको जो आइकॉनिक में मिलते हैं वो मिल जाए ठीक है तो ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है उसके सामने इसमें आपको सिक्स मंथ वन ईयर टू ईयर का कोर्स मिलता है छोटे नहीं मिलते हैं वन मंथ थ्री मंथ नहीं होता आइकॉनिक में ठीक है तो यहां पर भी बेटा आप सीपलाइफ कोड यूज करोगे इट इज वैलिड इट इज एप्लीकेबल बिकॉज आई एम अवेलेबल ऑन आईकॉनिक एज वेल ठीक है तो आपको मिलेगा टेन परसेंट ऑफ ऑन दी टोटल अमाउंट यस तो अब हम मिलेंगे बच्चों हमारे अगले सेशन में कल जिसमें हमने डिस्कस करना है ह्यूमन ब्रेन तो कल का सेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आज के सेशन जितना तो कल मिस मत करना कल सुबह मैं दस बजे क्लास रखूंगी बायोब्लास्ट की वो मैं अभी अपडेट कर देती हूँ साथ ही में सेशन को शेयर किया करो इफ यू लाइक आवर मेहनत इफ यू लाइक द मेहनत ऑफ दिस होल टीम टीचर्स को टैग किया करो सोशल मीडिया के पावर को समझो बच्चों दो हैश यूज करना हैश टैग नीट मंथन एंड हैश टैग क्रैक नीट विथ सीप मैम अब मिलेंगे कल शाम को ओ, पहले सुबह स्पेशल क्लास में दस बजे फिर ग्यारह बजे अपनी प्लस क्लास में एंड देन बचो थ्री थर्टी इन आवर यूट्यूब एंड देन 6 पीएम अगेन इन द स्पेशल क्लास तो कल बहुत मजे आने वाले क्योंकि बहुत सारी क्लासेस प्लान है राइट तो तब तक के लिए एवरीवन वन टेक केयर एंड बाय गॉड ब्लेस यू